हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग अपने क्लास 9th का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही इजी चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल है। आपको एक एक पॉइंट बहुत आसानी समझ में आए और इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। देखो भैया, फोर्स तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, किसी अदर ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन आप डिफाइन कैसे करोगे फोर्स, कि होता क्या है फोर्स? तो आप फोर्स को डिफिनेशन इस तरीके से कुछ बता सकते हो कि इट इज पुश आर पुल। किसी चीज़ को पुश करना या पुल करना ही फोर्स कहलाता है, ठीक है। जैसे आपका है डस्टर है, इसको हम पुल कर रहे हैं तो यहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं, पुश करेंगे तो इस पर हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो पुश आर पुल इज नोन एज फोर्स, ठीक है। लेकिन दूसरे तरीके से आप क्लास 9th में हो चुके हो, ठीक है, तो और अच्छी डिफिनेशन कैसे बना सकते हो, वो क्या हो सकती है, तो हम आपको बता रहे हैं। तो आपका जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम लिख लो भाई, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। मोशन के कुछ लॉज हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे और फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो ये बहुत मजेदार चैप्टर है। पहली हेडिंग आपकी होनी चाहिए फोर्स, क्या होती है फोर्स, क्या होता है फोर्स। इट इज एन एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, विच कैन चेंज, विच कैन चेंज आर ट्राई टू चेंज, जो चेंज कर सकता है। अगर चेंज नहीं कर पाएगा तो चेंज करने का प्रयास करेगा। जैसे हम सोच रहे हैं कि जो बोर्ड है ये अपनी जगह पे हट जाए, तो हम इसको हटा तो नहीं पा रहे, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, इस पर ट्राई तो कर रहे हैं ना, इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इट इज एन एक्सटर्नल फोर्स, ये बाहर से किया गया कि फोर्स होता है, प्रयास होता है, विच कैन चेंज, जो कि चेंज कर सकता है, आर ट्राई टू चेंज। अब क्या क्या चीजें चेंज कर सकता है, इट इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच कैन चेंज आर ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट आर ऑफ मोशन, डायरेक्शन एंड डायमेंशन। क्या क्या चेंज कर सकता है, स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट की पोजीशन को चेंज कर सकता है। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट फॉर्म में है तो उस पर आप फोर्स अप्लाई करके मोशन मिला सकते हो। कोई अगर ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है, क्या कर रही है, मोशन कर रही है, जैसे फुटबॉल आपकी तरफ आ रहा है, उसको आप रोक सकते हो, ठीक है, उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हो। फुटबॉल कुछ इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, आप इसकी डायरेक्शन यहाँ पे इस डायरेक्शन में कर सकते हो, ठीक है। आप फोर्स ही तो लगाओगे ना इस पर, कोई जादू वादू तो आता है नहीं, आप बस जादू कर दे कुछ अदर डायरेक्शन में चली जाए। तो क्या होता है, इट इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच कैन चेंज आर ट्राई टू चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट आर ऑफ मोशन। स्टेट की मतलब रेस्ट की पोजीशन को चेंज कर सकता है, मोशन की पोजीशन को चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब होता है शेप और साइज को भी चेंज किया जा सकता है, शेप और साइज को भी चेंज किया जा सकता है। जैसे हम ये बुक उठाए, ये बुक अभी आपकी किस शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में, हम इस पर फोर्स अप्लाई करके इसको सिलेंड्रिकल शेप में बना दे रहे हैं। किस शेप में बना दे रहे हैं, सिलेंड्रिकल शेप में बना दे रहे हैं। तो हम इसकी डायमेंशन को भी क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, और किसके द्वारा, फोर्स के द्वारा। इट इज एन एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, विच कैन चेंज आर ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट आर मोशन, डायरेक्शन एंड डायमेंशन। इतनी चीज़ों को चेंज कर सकते हो। क्या क्या इफेक्ट कर सकता है, इफेक्ट क्या क्या होता है फोर्स का, हम लोग ये भी पढ़ लेते हैं। चलो बेटा मिट गया, इफेक्ट ऑफ फोर्स। मैं यही सोच कर, इफेक्ट ऑफ फोर्स में क्या होता है, देखो फोर्स क्या क्या इफेक्ट ला सकता है, ठीक है। पहला है, कुछ पॉइंट्स हैं इसमें लिख दे रहे हैं, इट कैन मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब ये कौन सी वाला होती है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट है रेस्ट पोजीशन पे है, अगर वो रेस्ट पोजीशन में टूक रेस्ट पोजीशन पे, तो उसको आप फोर्स लगा करके उसकी स्टेशनरी पोजीशन को क्या कर सकते हो,
चेंज कर सकते हो, इट कैन चेंज स्टेशनरी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक, इट कैन मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव भी कर सकता है, वो भी सही था, ये भी रहता है, इट कैन चेंज स्टेशनरी पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेकेंड क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन करती हुई आ रही, टक 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 करती हुई आपकी ओर आ रही है, तो आप उसको रोक सकते हो, है ना, तो इट कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट। ये फोर्स क्या कर सकता है, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है। यहाँ पे आप खड़े हुए हो और आप चाहो तो इसको आप क्या कर सकते हो, रोक सकते हो, ठीक है, आप इस पर किक मार के रोक सकते हो, भाई तुमको आगे नहीं जाना है, ठीक है, तो इट कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट ये हो सकता है, इट कैन चेंज द डायरेक्शन। डायरेक्शन, जब हमने फुटबॉल वाला डिफिनेशन बताया था, सचिन है ऐसे खड़े हुए हैं, अब गेंद ऐसे आए, सचिन इस डायरेक्शन कुछ गेंद को मारेंगे बैट से, है ना, तो इससे डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, इट कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, कोई गेंद आ रही है, ठीक है, जैसे ये है, ये कोई बॉल है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, आप यहाँ से बॉल यहाँ पहुंची, आप यहाँ हिट कर देते हो, इसकी स्पीड क्या हो जाती है, और ज्यादा हो जाती है, पहले 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है, आपने हिट कर दिया, अब 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो जाएगी, तो इट कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, घटा भी सकता है स्पीड बढ़ा भी सकता है। एक और पॉइंट लिखेंगे, चलो लिखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, इट कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को भी चेंज किया जा सकता है, जैसे अभी हमने बुक ली थी, रेक्टेंगुलर शेप में थी, उसके हमने शेप और साइज को क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था, तो ये कुछ इफेक्ट है फोर्स के, क्या कर सकता है, स्टेशनरी पोजीशन में कोई ऑब्जेक्ट है, रेस्ट पोजीशन में कोई ऑब्जेक्ट, उसको आप मूव करवा सकते हो, सही है क्या, सही है। दूसरा क्या होता है, इट कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई मोशन में ऑब्जेक्ट है उसको आप रोक सकते हो, भैया तुम कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ, तो आप तभी ठहरो महाराज, है ना, इट कैन चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन को भी चेंज किया जा सकता है। फिर क्या है, इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो। इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को भी आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। फटाफट नोट कर लो भाई, मिटाएंगे हम, चलो मिटाते हैं। मैं जिस रात दिन, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स में क्या होता है, ये वैसे तो अगर हम मैग्नीट्यूड, फोर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पे बात करें तो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला हमारा होता है बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, और दूसरा होता है यहाँ पे लिखें क्या, अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड। बैलेंस फोर्स का मतलब क्या है, बैलेंस फोर्स का मतलब क्या होता है, देखो जैसे यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास हम मान लेते हैं 5 kg का है, ठीक। अब यहां पे कोई लल्लू राम है, अब ये क्या करते हैं, इस पर फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का,
कितने न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, ये लल्लू है और उधर कल्लू मान लेते हैं, ये कल्लू भाई है। अब ये इस पर क्या करते हैं, ये भी इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। अब ये इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही है इधर से, तो बताओ ये कहीं पे जाएगी कि नहीं जाएगी, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मोशन करेगी नहीं, जहाँ पे है वहीं पे रहेगी, क्योंकि फोर्स बराबर लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, एक इधर से धक्का दे रहा है, एक इधर से, फोर्स इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो इस प्रकार के फोर्स को हम लोग कहते हैं बैलेंस फोर्स, क्या कहते हैं, और यहाँ पे जो दो फोर्स लग रहे हैं ना, जो दो फोर्स, इसको हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स, क्या कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स। अगर दो या दो से ज़्यादा फोर्स हो तो टोटल निकालना हो तो उसके लिए हम रिजल्टेंट वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके डिफिनेशन बहुत आसानी से बता सकते हो, इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। अब यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 10, और ये इस डायरेक्शन में -10, एक पर टोटल फोर्स इस पर कितना लगेगा, 0, तभी ये जहाँ पे है वहीं पे तो रहेगी ना, सही है ना, हाँ ऐसे होता है। इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 0 देन इट इज सेड टू बी बैलेंस फोर्स ले सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स 0 होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, ये अगर बैलेंस फोर्स आप लगा रहे हो किसी ऑब्जेक्ट में तो क्या उसकी पोजीशन चेंज होगी, नहीं चेंज होगी ना, तो आप इसमें पॉइंट लिख सकते हो, इट कैन नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन को नहीं चेंज करता, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं चेंज कर सकता है, ठीक है, जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट था वहीं पे ही तो है, पोजीशन में कोई चेंजेज नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, ठीक है, इट कैन चेंज शेप एंड साइज। हाँ, शेप और साइज चेंज हो सकती है, ठीक है, आप इधर से कुछ फोर्स अप्लाई करो, इधर से फोर्स, तो आप अगर प्लास्टिक की बोतल लिए हुए हो तो वो प्लास्टिक की बोतल थोड़ा सा पिचक जाएगी, है ना, तो शेप और साइज में कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है, डायमेंशन में चेंजेस आ जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। अनबैलेंस से ही आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे जो लग रहा है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे फिर से हमारा वही फिगर है, ये हमारा फिगर हो गया, अब यहाँ से हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, इधर से हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, 5 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, 10 न्यूटन का, ठीक है, लेफ्ट डायरेक्शन में 10 न्यूटन का, और राइट डायरेक्शन में कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन का। ये फोर्स कम है, इधर फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो आपकी ऑब्जेक्ट जो है लेफ्ट डायरेक्शन में जाने लगेगी, तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो रहा है, 0 नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार के फोर्स को हम लोग कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अनबैलेंस्ड फोर्स की डिफिनेशन आप लिख सकते हो, इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट जीरो देन इट सेड टू बी कैसा फोर्स कहलाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स देन इट सेड टू बी अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, अच्छा समझ में आया। अब ये अनबैलेंस फोर्स है तो शेप साइज को चेंज कर सकता है, रेस्ट पोजीशन पे है तो ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है, मोशन में है तो रेस्ट पोजीशन में ला सकता है, ठीक है, जो जो प्रॉपर्टीज फोर्स की होंगी वही वही प्रॉपर्टीज आपकी अनबैलेंस फोर्स की हो जाए, इनकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। ये तो हो गए हमारे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पे। अब दो टाइप के फोर्स आपके और होते हैं, अरे ये क्या हो गया भाई, दो टाइप और कहाँ से आ गया, होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, हम आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या होता है कि जब दो सरफेस के बीच, ठीक है, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में हो तो वहां पे जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, आपका होता है कॉन्टैक्ट फोर्स द फोर्स अप्लाइड इन टू ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट, ठीक, सरफेस आप टू ऑब्जेक्ट इज नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट का टच में होना जरूरी होता है। जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स होता है हमारा, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी ये आप साइकिल पे जाते हो, ठीक है, आप पैडल मारना बंद कर दो, थोड़ी दूर जाके आपकी साइकिल रुक जाती है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जो कि मोशन का अपोज करता है। मोशन का क्या करता है, अपोज करता है। आप ऐसे साइकिल पे जा रहे हो बढ़िया हीरो बन के, ठीक है, थोड़ी दूर बाद आपकी ये साइकिल क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सड़क और पहिए के बीच फ्रिक्शन फोर्स लगता है, टच में है दोनों, है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉर्मल फोर्स आपका दूसरा हो जाता है कॉन्टैक्ट फोर्स में, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स का मतलब क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है वो हमारा नॉर्मल फोर्स कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसा फोर्स जिसमें दो ऑब्जेक्ट का टच होना जरूरी नहीं लेकिन फिर भी फोर्स लगेगा। अब ये तो कुछ जादू वाला हो गया, जैसे हम यहाँ पे हैं, हम इसको मार्कर को टच नहीं कर रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं ये हमारी तरफ आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा जब, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ऐसा फोर्स क्या होता है, अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा सा इजी करते हैं। जैसे ये हमारा आयरन का कोई टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा है, और ये हमने चुंबक ले लिया। अब इसको नज़दीक लाएंगे तो ये जो है, ये लोहे का टुकड़ा इस चुंबक से क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लोहे का टुकड़ा है, ये आयरन है, क्या है, आयरन, और यहाँ पे हमने मैग्नेट ले लिया, क्या ले लिया, मैग्नेट। अब ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, टच में नहीं आ रहे, कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे लेकिन फिर भी फोर्स लग रहा है ना, तो इस प्रकार के फोर्स को हम लोग बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो पहला हमारा हो गया मैग्नेटिक फोर्स, क्या हो गया, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स आपका होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। दूसरा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स। ये कैसे हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, हम बता रहे हैं बच्चा काहे परेशान हो, ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे इस पेन को हम छोड़े, मार्कर को यहाँ छोड़े, ये नीचे गिर ही गया, ये नीचे की ओर गिर जाएगा, है ना। अब यहाँ पे जो अर्थ लगा रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है ना, अर्थ की ग्रेविटी इसको अपनी ओर खींच रही है, तो इस प्रकार के फोर्स को हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे, क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे इसको ग्रेविटेशनल फोर्स। बात समझ रहे हैं, कॉन्टैक्ट में दो ऑब्जेक्ट का टच में होना जरूरी होता है, नॉन कॉन्टैक्ट में ऐसा जरूरी नहीं होता है। चलो इतना आप नोट कर लो, टाइप्स ऑफ फोर्स हो गया, मिटाएगा इससे मिटाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं फोर्स का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला, फार्मूला फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट को हम फोर्स कह सकते हैं, ठीक है। तो फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं, एफ इक्वल टू आ जाता है एम इनटू ए, एफ इक्वल टू क्या हो जाता है, एम इनटू ए। एम क्या है, मास है, ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन। एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट इसकी होती है, एसआई यूनिट इज न्यूटन, क्या होती है, न्यूटन। या फिर एक और होती है, मास को केजी में लिखते हैं और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, ठीक है। अच्छा, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, हमने मोशन चैप्टर में आपको बताया था, ठीक है। तो फोर्स के लिए आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत होती है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स का होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एसआई यूनिट न्यूटन होती है, मोस्टली यूज होता है, या फिर आपको ये नहीं पता किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाती है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, आप इसको भी नोट कर लो भाई, नोट हो गया, नोट कर लो, मिटाए क्या। चलो अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके बाद पढ़ने वाले हैं इनर्शिया, ये क्या होता है, तो आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है, ये मजेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा इनर्शिया।
इसको हिंदी में कहते हैं जड़त्व। जड़त्व का मतलब होता है जड़ता, अडिग हो जाना अपने बात से कि हाँ हम ऐसे हैं तो ऐसे ही रहेंगे, ठीक है, किसी के बहकावे में आने वाले हम नहीं हैं, किसी की बात काहे माने भैया हम हैं, हम तो नवाब हैं। तो उसको हम लोग इनर्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्सिया कहते हैं, अपने सेम पोजिशन में ही बने रहना, इनर्सिया कहलाता है, ठीक है। तो आप इनर्सिया का डिफिनेशन क्या लिख सकते हो? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाई विच, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाई विच इट रेजिस्ट टू चेंज, इट रेजिस्ट टू चेंज इन इट्स स्टेट। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, किसी भी मैटर की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, बाय विच जिससे इट रेजिस्ट टू, इट रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट, जिससे वो अपने स्टेट में चेंज होने को रेजिस्ट करे। रेजिस्ट का मतलब होता है रोकना। अब स्टेट का मतलब क्या है? जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा आपको टॉपिक पे ध्यान देना है। जैसे ये हमारी कार है और ये हम है ना, और ये हमारी क्या हो रही है? पढ़ाई हो रही है। चलो ये हमारी कार है, ये हमारी क्या है? कार है। अब ये रुकी हुई है, क्या है? रुकी हुई है, तो ये रुकी ही रहेगी, ठीक है। अगर ये रेस्ट पोजीशन पे है तो रेस्ट पोजीशन पे ही रहेगी। कब तक? और इसके जो रेस्ट पोजीशन में होने की जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग बोलते हैं इनर्सिया। क्या बोलते हैं? इनर्सिया। और कब तक ये रेस्ट पोजीशन में रहेगी? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। अब यहाँ पे इसका इंजन, एक आप इसको स्टार्ट कर दो, इंजन इसमें फोर्स लगाएगा और ये कार आपकी आगे बढ़ने लगेगी, तो इसको हम लोग कहते हैं इनर्सिया, ठीक। अच्छा, कोई गेंद है, ठीक है, वो सरफेस पे उड़ती रहती है, ठीक है, चलती रहती है, तो वो हमेशा चलती ही रहेगी, हमेशा चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। अच्छा, तो ये होता है इनर्सिया। अब आप सोचोगे गेंद चल रही है तो हमेशा क्यों नहीं चलती रहती है? तो उस पर भी फोर्स लगता है, यहाँ पर टच में है ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन लगता है, क्या लगता है? फ्रिक्शन लगता है, एयर फ्रिक्शन भी लगता है, और बहुत सारे फोर्सेस यहाँ पर अप्लाई होते हैं। आपकी गेंद लुढ़कते 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 क्या हो जाती है? रुक जाती है। क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट रेजिस्ट टू चेंज इन इट्स स्टेट, इट्स कॉल्ड इनर्सिया। अगर मोशन में है तो मोशन ही करती रहेगी। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। अगर वो रेस्ट पोजीशन पे है तो रेस्ट पोजीशन पे ही रहेगी, और जिस डायरेक्शन में जा रही उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। कब तक? जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ये बात याद रख लेना, ठीक, समझ में आया। अब टाइप्स ऑफ इनर्सिया पढ़ें, टाइप्स ऑफ इनर्सिया पढ़ें तो क्या हो जाएगा? टाइप्स ऑफ इनर्सिया तीन टाइप के होते हैं। इनर्सिया ऑफ रेस्ट, इनर्सिया इन मोशन, इनर्सिया इन रेस्ट, इनर्सिया इन मोशन, इनर्सिया इन डायरेक्शन, इनर्सिया इन डायरेक्शन। देखो, इनर्सिया इन रेस्ट का मतलब क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहिए। जैसे इसके कुछ एप्लीकेशन हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं कि आप क्या करते हो, जैसे कोई चद्दर है आपके घर में, ठीक है, तो आप जब उसको झाड़ते हो, उस पर डंडा मारते हो, तो धूल के कण उस चद्दर पे अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अलग, क्योंकि धूल के कण वो रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है, धूल के कण रेस्ट पोजीशन पे। आप उस पर डंडा मारोगे तो जो आपका चद्दर है वो मोशन में हो जाएगा, और धूल के कण जो इनर्सिया होने कारण वहीं पे बने रहेंगे, ठीक है। इसीलिए धूल के कण चद्दर से अलग हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इनर्सिया इन रेस्ट, इनर्सिया इन रेस्ट। अच्छा, जैसे आपको एक और दे दिया जाए, झूला है,
ठीक है, ये हमारा क्या है, झूला है। यहाँ पे आप मान लो थोड़ा सा रेत लिए हो, रेत है और आप इस पे छलांग लगाओ कूदो, तो झूला आपका नीचे हो जाएगा और रेत के कण वहीं पे रुके रहेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनर्सिया इन रेस्ट। अगर रेस्ट पोजीशन पे है तो रेस्ट पोजीशन पे ही रहना चाहेगा। एक और एग्जांपल होता है, ठीक है, कि अब आप रेस्ट पोजीशन में अचानक से किसी बस में बैठे हो, अचानक से बस स्टार्ट हो जाए तो आप हल्का सा पीछे की ओर क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं, क्योंकि आपका बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, ठीक है। तो आपके गर्दन के नीचे वाला हिस्सा क्या हो जाता है, मोशन में आ जाता है और ऊपरी हिस्सा आपका रेस्ट में रहता है, इसलिए आप पीछे की ओर क्या हो जाते हो, गिर जाते हो। इनर्सिया इन मोशन का मतलब क्या होता है, इसको आपको ध्यान समझना है। आप कार से जा रहे हो, ठीक है, कार से जा रहे हो, ठीक, अचानक से सामने कुछ आ गया तो आपने ब्रेक मार ली, ड्राइवर ने ब्रेक मारी, तो आपका शरीर क्या हो जाता है, शरीर कुछ आगे की ओर झुक जाता है, आगे की ओर क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। क्यों ऐसा होता है समझो, थोड़ा सा फील करो, आपको यहाँ पे फील करना है। जब वो ब्रेक मारेगा, ठीक है, तो आप हो मोशन में, आप मोशन में हो, आपका निचला हिस्सा ब्रेक लगने के बाद अचानक से रेस्ट पोजिशन आ जाता है, लेकिन ऊपरी हिस्सा इनर्सिया के कारण अभी भी मोशन में रहना चाहेगा, इसलिए आप हल्का सा आगे की ओर क्या हो जाते हो, झुक जाते हो। इनर्सिया इन डायरेक्शन में क्या होता है, आप कोई चीज लेकर के, जैसे हम तार से क्या करते हैं, छोटी सी ईंट की गिट्टी बांध करके वो करते हैं, जिस डायरेक्शन में छोड़ देते हो उसी डायरेक्शन में क्या हो जाता है, चला जाता है। या फिर अचानक से ड्राइवर कार मोड़ता है, ऐसे जा रहे हो आप इस डायरेक्शन में, ऐसे जा रहे हो, अचानक से ड्राइवर कार मोड़ देता है, तो आप अपोजिट डायरेक्शन में क्या, जिस दिशा में कार मोड़ती है उसके अपोजिट दिशा में आप हल्का फर्क क्या कर जाते हो, झुक जाते हो। तो ये हमारा होता है, क्योंकि आप चाहते हो कि आप इसी डायरेक्शन में जाओ, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनर्सिया इन डायरेक्शन, इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक। तो ये टाइप्स ऑफ इनर्सिया हो गए, इनर्सिया की डेफिनेशन हो गई, आप इसको नोट कर लो बेटा। इसको चलो, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन। देखो मोशन के तीन नियम होते हैं, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो तीनों लॉज को हम आसानी से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, आपको बहुत मजा आएगा, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, है ना। चलो, तो फर्स्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसी को हम लॉ ऑफ इनर्सिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्सिया, जो भी हमने इनर्सिया पढ़ा था वही चीज है। देखो भैया, गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट को देखते हुए न्यूटन साहब ने क्या किया, अपना तीन नियम बना दिया मोशन से रिलेटेड, है ना। तो पहला नियम लोग पढ़ने वाले, ये नियम क्या कहता है, ये समझ लो, जो इनर्सिया होता है ना, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है तो रेस्ट पोजीशन में रहेगी, कब तक, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, ठीक है। यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन का पहला नियम है। तो इसकी आप कुछ डेफिनेशन स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हो, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट अंटिल एन अनबैलेंस्ड फोर्स, एन अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन इट, इनका कहने का मतलब है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो स्टेज इन रेस्ट, रेस्ट में ही रहेगी, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन, मोशन में रहेगी, जिस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, जिस स्पीड से मोशन कर रही है उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड से मोशन करती रहेगी, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन एंड सेम स्पीड, कब तक, अनफ्रंटल एंड अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड, तभी तक मोशन करती रहेगी जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ये हमारा होता है न्यूटन का पहला लॉ, मोशन से रिलेटेड, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन वो अलग चीज है, ये लॉज ऑफ मोशन है। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज इन रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन, ठीक है, मोशन में ही रहेगी, मोशन में ही रहेगी, है ना, कब तक, इन द सेम डायरेक्शन एंड सेम स्पीड, अनलेस अंटिल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन इट, जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स अप्लाई ना किया जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट डे हमारी होती है मोमेंटम, इसको मिटाएंगे, मिटा देते हैं, फिर मोमेंटम के बारे में समझते हैं। मोमेंटम, मोमेंटम, देखो भैया ये क्या होती है,
पावर ऑफ मोशन होता है, ये मोशन की पावर को बताता है, ठीक है। या फिर इसको इसकी डिफिनेशन को कुछ ऐसे भी पढ़ते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम मोमेंटम कहते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हो इसको? हम लोग स्मॉल पी से या कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अब इसको आप डिफाइन फार्मूला कैसे बना सकते हो? मोमेंटम का फार्मूला हो जाएगा, मोमेंटम किसका प्रोडक्ट होता है? मास, प्रोडक्ट का मतलब गुणा, मास और क्या? वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी, मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को एम से, वेलोसिटी को वी से। पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, अब ये कैसे क्वांटिटी की होती है? अब एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, की एसआई यूनिट मास आपका होना चाहिए केजी में, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसकी क्या हो जाती है? एसआई यूनिट हो जाती है। वेक्टर क्वांटिटी होता है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, क्या होता है भैया? वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ चीजें आपको समझना है, ठीक है। देखो मास ज्यादा होगा तो मोमेंटम ज्यादा होगा, या फिर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो मोमेंटम ज्यादा होगा। अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन समझते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास ज्यादा है, ठीक है, इसका मास 10 kg है, और एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है? 5 kg है। ये सेम स्पीड से जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से जा रहे हैं। जैसे ये मान लेते हैं 5 meter per second स्पीड पे चल रहा है, और ये भी 5 meter per second स्पीड पे चल रहा है। अब आपको ये बताना है किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। हमको पता है मोमेंटम जो है वो मास पर डिपेंड करता है, मास ज़्यादा होगा तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। और दूसरे वाले का मोमेंटम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जो आपके पहले वाले का मोमेंटम है वो ज़्यादा हो जाएगा, और दूसरे वाले का मोमेंटम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से देखो, कोई गोली है, एक गोली किसी आदमी को लगती है तो आदमी इसी वजह से ही उसकी डेथ हो जाती है। मारने के लिए गोली छोटी सी गोली होती है, उसका मास बहुत कम होता है, लेकिन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा होता है, आप ले तो किसी आदमी को चोटिल कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या होता है, मास तो चलो छोटा सा ही है, लेकिन मास ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू गोली। आपको जो बुलेट है उसकी तुलना मास इसका ज़्यादा हो गया, बुलेट से की कंपेरिजन इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, तो मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप बाइक स्लोली स्लोली चला रहे हो, धीरे धीरे बाइक चला रहे हो, आपका एक्सीडेंट होता है, तो मान के चल सकते हैं कि कम चोट लगेगी, लेकिन आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, आप ज़्यादा वेलोसिटी से बाइक चला रहे हो, आपको आपका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो क्या होगा वहाँ पे आपका मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए आपके लिए वो घातक परिणाम साबित हो सकता है। तो ये कुछ मोमेंटम से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट थे। मास ज़्यादा होने पर मोमेंटम ज़्यादा होता है, वेलोसिटी ज़्यादा होने पर मोमेंटम ज़्यादा होता है, ठीक है। आप इसको भी नोट कर लो भैया, मिटाएगा चलो। अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, P इज इक्वल टू एम इंटू वी, वेक्टर क्वांटिटी होता है, याद कर लेना, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये क्या होता है न्यूटन सेकेंड लॉ? देखो इसको डिफाइन करते हैं, पहले समझना है आपको, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट।
अप्लाइड ऑन इट. रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट. ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पर जितना आप फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम उसके प्रोपोर्शनल हो जाता है. जैसे इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, इसको पार्ट छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं, इसका डेरिवेशन करना है. यहाँ से हमको एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए प्रूव करके दिखाना है ना. तो आप देखो, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ए है, इसका मास एम है, ठीक है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है यू है, कुछ समय बाद टी टाइम बाद, ठीक है, आपका मास ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया. मास तो वही है लेकिन अब जो वेलोसिटी है चेंज हो जाती है. फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, कितनी हो गई भैया, फाइनल वेलोसिटी हो गई इसकी वी. अब क्या है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, पहले मोमेंटम निकाल लेते हैं. क्या निकाल लेते हैं, मोमेंटम. तो इनिशियल मोमेंटम निकाल लें, इनिशियल मोमेंटम का मतलब होता है पी आई. क्या हो जाता है, पी आई, इनिशियल मोमेंटम. हमारा फार्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी. क्या होता है, मास इंटू में क्या होता है, वेलोसिटी. तो इनिशियल मोमेंटम का मतलब मास और इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी. फाइनल मोमेंटम निकालो, फाइनल मोमेंटम पी एफ, फाइनल मोमेंटम, फाइनल वेलोसिटी इंटू मास, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी. अब कह रहा है चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होता है, आपको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिखा रहा है. चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है फाइनल मोमेंटम, और नीचे लिखते थोड़ा सा, माइनस इनिशियल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम का मतलब होता है एम वी, माइनस इनिशियल का मतलब होता है एम यू. अब चेंज इन मोमेंटम को समझ में आया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. कह रहा है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, आप लिख लो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. देखो चेंज इन मोमेंटम हमको मिल गया है, मिला एम, हम कॉमन ले लेते हैं v माइनस u, और रेट का मतलब होता है अपान में टाइम. रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, पहले क्या, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, एम दोनों में कॉमन हो गया, v माइनस क्या हो गया, u. अब हमारा जो डिफिनेशन कह रहा है वो कुछ ये कह रहा है, अब आपको ध्यान समझना है. रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मतलब f, ये जो आया है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, एम v माइनस यू अपॉन टी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द होता है फोर्स. फोर्स के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, बन गई ना. अब आप भूलोगे तो नहीं, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. जितना फोर्स आप अप्लाई करते हो उसके क्या होता है, प्रोपोर्शनल हो जाता है. अच्छा यहाँ पे ये बताओ, हमको पता है कि एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, v माइनस यू अपॉन टी किसके इक्वल हो जाता है, एक्सेलरेशन के. चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन. तो आपको पता है सिंस v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू क्या होता है, a होता है, तो f प्रोपोर्शनल हो जाएगा m. v माइनस यू अपॉन टी की जगह हम लिख सकते हैं a, f इज इक्वल टू, ये सिंबल हटेगा प्रोपोर्शनल का, तो a कॉन्स्टेंट लगा देते हैं k में, वेयर k इज कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट. और हम k की वैल्यू लेट कर लेते हैं 1, कितना लेट कर लेते हैं k की वैल्यू 1, तो आपका फोर्स आ जाएगा m इंटू ए. ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो k की वैल्यू होती है वो कितने के इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है. तो f इज इक्वल टू m इंटू ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. मास इंटू क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन. तो ये होता है न्यूटन से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. पढ़ोगे कैसे, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. ठीक है, ऐसे इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, फिर चेंज इन मोमेंटम, फिर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, और उसके बाद आप पूरे स्टेटमेंट को कैलकुलेट कर दोगे. एम कॉमन हमने ले रखा, वी माइनस यू अपॉन टी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, एम इंटू ए, ये सिंबल हटाओगे, के लिखोगे, के की वैल्यू स्टेटमेंट थ्री देखा गया 1 होता है, एफ इक्वल टू एम इंटू ए. आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिया क्या, मिटाए, चलो मिटाते हैं.
हाँ, तो अब हम लोग थोड़ा सा समझने वाले हैं, डेरिवेशन और समझने वाले हैं कि फर्स्ट लॉ का प्रूफ करना है हमको सेकेंड लॉ से। तो प्रूफ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ, फ्रॉम सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ की हेल्प से फर्स्ट लॉ को हमको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है भैया, देखो ये सेकेंड लॉ हमने पढ़ा था कि एफ इज इक्वल टू आया है एम इन टू ए, एफ इज इक्वल टू एम, ए को आप लिख सकते हो वी माइनस यू अपॉन टी, यही तो आया है ना। अब यहाँ पे हमको फर्स्ट लॉ प्रूव करना है। फर्स्ट लॉ हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही तो हमने पढ़ा था ना कि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा मतलब अप्लाइड फोर्स जीरो होगा तब ये कंडीशन होगी। तो दो कंडीशन हम मानते हैं, इफ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है इज इन मोशन विद इनिशियल वेलोसिटी यू, इनिशियल वेलोसिटी यू, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, हमको ये प्रूव करके दिखाना है। अब हमको पता है कि अप्लाइड फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो यहाँ पे आप जीरो रखो, एम वी माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ की जगह पर रखना है जीरो, एफ की वैल्यू एम वी माइनस यू अपॉन टी है, इक्वल में कितना हो गया, जीरो हो गया, वी माइनस यू टी इधर है जीरो आ जाएगा, जीरो अपॉन में कितना हो जाएगा, जीरो, वी इज इक्वल टू यू। यहां से क्या समझ में आया, जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वही फाइनल वेलोसिटी होगी, कहने यही तो हमारा फर्स्ट लॉ था ना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रही जितने स्पीड से, मान लो ये कार है, ठीक है, ये 5 किलोमीटर पर आर की स्पीड से मोशन कर रही है, तो ये इसकी फाइनल स्पीड भी कितनी होनी चाहिए, 5 किलोमीटर पर आर होनी चाहिए। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो वही हमने प्रूव करके भी दिखा दिया, इनिशियल वेलोसिटी यू है तो फाइनल वेलोसिटी भी कितना हो जाएगा, यू हो जाएगा, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो ये हमारा क्या था कि अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। अब हम लेट कर लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है। सेकंड, इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है, तो यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, तो यहाँ पे वी इज इक्वल टू यू, यू की वैल्यू की वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, हमने यू की वैल्यू कितनी रख दी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है, जैसे ये कार रुकी हुई है, ये कार अभी क्या है, रुकी हुई है, ठीक है, रेस्ट पोजीशन पे है तो रुकी ही रहेगी जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो यू की वैल्यू जीरो रखेंगे तो वी की वैल्यू भी क्या रहेगी, जीरो, फाइनल वेलोसिटी भी जीरो, अरे रुकी है तो रुकी ही रहेगी, स्टॉप पोजीशन पे, रेस्ट पोजीशन पे, रेस्ट पोजीशन भी रहेगी। यही हमारा क्या होता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होता है। हमने किसकी हेल्प से प्रूव कर दिया, सेकेंड लॉ की हेल्प से, हमने फर्स्ट लॉ अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अगर रेस्ट पोजीशन पे है तो रेस्ट पोजीशन भी रहेगी। अब लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये क्या होता है, बहुत इजी है, ठीक है, आपको समझ में भी आएगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखो भैया क्या होता है कि हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होता है। इनका कहने का मतलब क्या, अगर आप गोली चलाते हो, ठीक है, आप ये बंदूक है, ठीक, ये बंदूक है, मान लेते हैं यहां पे आपकी बुलेट है, ठीक, बुलेट अगर निकलेगी, ठीक है, तो
जिस वेलोसिटी से बुलेट निकलेगी उसी वेलोसिटी से आपको पीछे डायरेक्शन में, पीछे साइड में आपको झटका लगेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। क्या कहते हैं? रिकॉइल वेलोसिटी। अगर बुलेट आगे निकल रही तो आपको जो है झटका लगेगा पीछे डायरेक्शन में, है ना। तो यही तो क्या एक्शन, इसको हम लोग बोलेंगे एक्शन और इसको बोलेंगे हम रिएक्शन, ठीक है। और अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल वेलोसिटी लगेगी और अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कुछ इसके एप्लीकेशंस होते हैं, तो पहला हो गया गन का रिकॉइल, हमने देख लिया। दूसरा क्या होता है, जब आप पानी में तैरते हो, स्विमिंग करते हो, तो आप अपने हाथ से पानी को पीछे धक्का देते हो, तो पानी भी, वाटर भी आपके हाथ को क्या करता है, आगे की ओर आपकी बॉडी को धक्का देता है, जिससे आप आगे जा पाते हो, तैर पाते हो, है ना। आप हाथ से वाटर को पीछे करते हो, एक्शन हो गया। रिएक्शन में क्या मिलेगा, वाटर आपको आगे की ओर धक्का देगा, आप आगे बढ़ने लगते हो। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट। आप इधर धक्का दे रहे हो तो पानी आपको इस डायरेक्शन धक्का देगा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। अच्छा, ये चीज़ें समझिए। जैसे हमारा कोई रॉकेट होता है, रॉकेट उड़ता है, ठीक है, रॉकेट उड़ता है, कुछ ऐसे उड़ेगा, है ना। ये मान लेते हैं हमारा एक रॉकेट है। अब यहाँ पे नीचे से गैसेस निकलेंगे, ठीक है। अब जितने स्पीड से गैसेस नीचे की ओर निकलेंगे, उतने स्पीड से हमारा रॉकेट ऊपर की ओर जाएगा। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट। आप जमीन पे चल पाते हो, क्यों चल पाते हो? आप जमीन पे पीछे की ओर जमीन को धक्का देते हो, जमीन आपको आगे की ओर धक्का देती है, अपोजिट डायरेक्शन में आपको जो है भेजती है। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये हमारा होता है न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। अगर आप इसको लिखना चाहो, जैसे ये है, ठीक है, ये बुलेट की वेलोसिटी है और ये रिक्वायर्ड वेलोसिटी है। तो F1 इज इक्वल टू माइनस F2। किसी पहले ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगेगा, दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स इक्वल होगा। माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि वो फोर्स कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, ठीक। डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस लगेगा। अब नेफ्ट हम लोग समझने वाले हैं, आपकी नेफ्ट हेडिंग होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है भैया? समझो हमारी बात को, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये एक बाल है, कोई ऑब्जेक्ट मान लिया, एक ऑब्जेक्ट ए है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बी है, ऑब्जेक्ट ये हमारे बी है, इसका जो मास है m1 है, इसका मास कितना है m2 है, ठीक। अब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u1 है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2, ये इस डायरेक्शन में आ रही है और दूसरी बाल जो है इस डायरेक्शन में आ रही है। यहाँ पे फिर लड़ जाती है, दोनों गेंदें आपस में क्या हो जाती है, कोलाइड कर जाती है, ठीक है, टक्कर हो जाता है इनका। अब टक्कर के बाद फिर से अलग हो जाएंगे, फिर से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अब इसकी जो वेलोसिटी होगी v1, इसकी वेलोसिटी v2, मास m है, इसका भी मास कितना है, इसका मास m1 m2, इसका मास m1 और इसका मास कितना है m2। कहने का मतलब क्या है, दो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ए और एक ऑब्जेक्ट आपका बी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, मास m1 है, ऑब्जेक्ट बी की इनिशियल वेलोसिटी u2 है, मास कितना है m2 है। यहाँ पे टक्कर हुआ, कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद मास तो m1 और m2 ही है, लेकिन इसकी ऑब्जेक्ट ए की इनिशियल वेलोसिटी v1 हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी, और इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v2 हो जाती है। अब इनका कहने का मतलब क्या है, ना आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये स्टेटमेंट देते हैं, ड्यूरिंग एनी कोलिजन टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये क्या हो गया, ड्यूरिंग एनी कोलिजन टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मतलब कि इनिशियल मोमेंटम जो होगा,
इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आफ्टर मतलब फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम वो फाइनल मोमेंटम के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये इसका है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ड्यूरिंग एनी कोलिजन, किसी भी कोलिजन, किसी भी टक्कर में टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब इसको प्रूव करके आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनिशियल मोमेंटम निकाल दें। ठीक है, अच्छा, रेट ऑफ चेंज इन, इसको फिगर को मिलाते हैं, फिगर जहां पर मानते हैं मास m1 वेलोसिटी u1, मास m2 वेलोसिटी कितना भैया u2। ठीक है, आफ्टर कोलिजन का फिगर बना लो, ये बिफोर कोलिजन है या आफ्टर कोलिजन है, आफ्टर कोलिजन मास m1 वेलोसिटी v1, मास m2 वेलोसिटी v2। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, इन मोमेंटम ऑफ a। अब ऑब्जेक्ट a को देखते हैं, ऑब्जेक्ट a, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ a। अब हम इसको F1 ले लेते हैं। अच्छा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम भी हमने पढ़ा था कि चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम ऑब्जेक्ट A की बात हो रही है, आप A, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम M1 U1। और रेट का मतलब मान में क्या हो गया, टी हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है। अभी हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है ना, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए एम वन वी वन माइनस एम वन वी वन। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मतलब होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, अपान में क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। अब हम ऑब्जेक्ट बी का फोर्स निकाल लेते हैं, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम आप बी पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम वो किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन रिगार्डिंग एफ टू लिख लेते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बी की बात कर रहे हैं। चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो यहाँ पर जो मोमेंटम है एम टू वी टू हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम m2 u2। और रेट का मतलब होता है अपान में टाइम, अपान में क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब थर्ड लॉ, इसको मिटा मिटा के फिगर आप बना लेना। थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, बाई थर्ड लॉ ऑफ मोशन के थर्ड लॉ से जो पहला फोर्स है, ठीक है, दो एक गेंद इस डायरेक्शन से आ रही है, दूसरी गेंद इस डायरेक्शन से, डायरेक्शन अपोजिट है, फोर्स इक्वल है, तो F1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस F2 के। F1 की वैल्यू M1 V1 माइनस M1 U1 अपान में क्या है, T इज इक्वल टू माइनस F2 की वैल्यू कितना लिखोगे आप, F2 आया है M2 V2 माइनस M2 U2 अपान में कितना है, T। ठीक, अब यहाँ टी से टी आपका कैंसिल हो गया, एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन, माइनस के अंदर आप मल्टीप्लाई करो, माइनस एम टू वी टू माइनस माइनस प्लस एम टू यू टू, सही है क्या। अब इसको निकाल लें, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू इज इक्वल टू, ये माइनस में इधर आके प्लस में, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू। इसको कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। अच्छा, ये एम वन वी वन एम टू वी यू टू ये क्या था भाई, ये है
मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, इनिशियल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2, फाइनल मोमेंटम क्या था, फाइनल वेलोसिटी इनटू मास हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। तो यही हमको मूव करना, तो यही था कंजर्वेशन होता है कि जो मोमेंटम पहले होगा टक्कर के बाद भी मोमेंटम उतना ही होगा। ला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ड्यूरिंग एनी कोलिजन टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट ये था m1 u1 और ये आपका m2 और ये कितना था m2 था। बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम कितना होगा m1 u1 प्लस m2 u2, टोटल कोलिजन की बात है, टोटल मोमेंटम की बात करें। अब टकराने के बाद m1 velocity v1, m2 velocity जितना v2, टकराने के बाद जो टोटल मोमेंटम होगा m1 v1 प्लस m2 v2, और दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यही हमारा कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ड्यूरिंग एनी कोलिजन टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो ये हमारा चैप्टर था, कौन सा चैप्टर था, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए।